सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट होम चैनल को फॉर होम रेमेडीज, DIY रेसिपीज एंड मेकअप। बेल आइकन पे क्लिक करें मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा है एंड वीडियो की फोटोग्राफ में देखा है, मेरे सामने रखी हुई हैं सब्जियाँ जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। प्याज, टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च, खीरा, घिया, गाजर, कोई भी सब्जी अगर मैं बात करूं, किसी भी सब्जी की जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं। प्याज की अगर मैं बात करूं तो प्याज को काटने में कितनी देर लगती है। अगर आपको कोई ऐसी वेजिटेबल बनानी है जिसमें बहुत सारी प्याज डलने वाली है तो आपको बहुत देर लगती है उसे काटने में। ऐसे शिमला मिर्च को, गोभी को, अगर आपको गोभी के पराठे बनाने हैं बहुत देर लगती है आपको इसे कसने में। तो इन सभी वेजिटेबल्स को आप 2 मिनट के अंदर कैसे कट कर सकते हैं बिना चाकू यूज़ किए, बिना अपना टाइम वेस्ट किए, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप वर्किंग में हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो। देखिएगा इस वीडियो को एंड तक। तो ये है हमारी वेजिटेबल जो मेरे सामने रखी है। मैं इन सभी वेजिटेबल्स को आपको कट करके भी दिखाऊँगी कैसे 2 मिनट के अंदर ही आप ये सभी वेजिटेबल्स बिल्कुल बारीक से बारीक, जितनी भी बारीक चाहें, काट पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो प्रोडक्ट कौन सा है जिससे ये सब काम होने वाला है। तो ये है वो प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है जिससे होने वाला है ये सब काम। ये इसका अपर लिड था, ये एक और लिड है इसके जार के ऊपर। ये है वो इसका ब्लेड जिससे आपको सब्जियां कट करनी है, और ये है पूरा जार जिसमें आप जब सब्जियां डालेंगे और कट होके इसी में स्टोर होने वाली हैं। बहुत ही इजी टू यूज़ है, इसे हम बोलते हैं चॉपर वेजिटेबल चॉपर। मेरे पास जो ये चॉपर है, मेरी है ये कंपनी ली हैंडी, मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। इसका यहाँ से पेंट था ली हैंडी लिखा हुआ था, वो उतर गया है। और भी बहुत सारी कंपनीज़ ने अब अपना चॉपर निकाल दिया है जिसमें हो जाता है काम मिनटों में। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ जाकर इसे बाय कर सकते हैं। ये चॉपर सिर्फ वेजिटेबल्स ही चॉप नहीं करता, बल्कि अगर आपको शेक बनाना है, मिल्क शेक बनाना है, स्ट्रॉबेरी शेक बनाना है, किसी भी चीज़ का शेक बनाना है, तो ये विस्किंग के लिए, मक्खन निकालना है मलाई से, सभी काम करता है ये चॉपर। मतलब आपको अलग से मिक्सर की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसमें चटनी भी बना सकते हैं, मिक्सर की सारी चीज़ें भी आपकी इसी में हो जाएंगी। और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आपको इस पर ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये आपको 1000 से 1500 की रेंज में अकॉर्डिंग टू द कंपनी मिल जाएगा। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, ज़रूर ले आइए अपने घर में। तो चलिए अब देख लेते हैं इनसे सब्जियाँ कैसे कट करनी है, वन बाय वन मैं आपको दिखाऊँगी। चलिए अब मैं आपको प्याज कट करके दिखाऊँगी। हमने प्याज को धो के और बस 4 स्लाइसेस में ये 2 प्याज मैंने काटे हैं। अब मैं ले लेती हूँ चॉपर। चॉपर का ये प्लेट ऑलरेडी फिक्स है, इसमें हम डालेंगे सारे प्याज। प्याज काटने में जो इतने सारे आंसू आते हैं उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप चॉपर यूज़ करने लगेंगे। आपको इसकी लिड लगानी है, लिड हमने लगा ली है, और अब हम इसको कर लेते हैं। आप इसमें जितने भी मोटे चाहें प्याज, जैसे अभी मैंने सिर्फ हल्का सा ही किया है तो हल्के से प्याज मोटे हैं आप देख सकते हैं। अभी अगर आपको जो बारीक प्याज चाहिए, मतलब सब्जी के अकॉर्डिंग आप इसमें बारीक तो जैसे भी देख सकते हैं, बहुत बारीक प्याज भी हो सकते हैं, आप बिल्कुल प्यूरी की तरह अगर प्याज भी खाते हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ये देखिए प्याज हमारे पिस गए हैं, ये देखिए हमारे कितने अच्छे से पीस गए हैं प्याज। मतलब ऐसी प्याज अगर आप चाकू से काटें तो बहुत देर लगती है आपको इतनी बारीक प्याज काटने में। देखिए कितनी बारीक प्याज कटी है। आप कोई भरवा, जैसे भरवा टिंडे आपको बनानी है, उसमें इसी तरह की प्याज चाहिए तो बहुत सारी प्याज चाहिए होती है। कई बार तो कोई कोई सब्जी ऐसी होती है जिसमें आपको प्याज बहुत ही ज़्यादा कट करनी होती है। मैंने तो अभी 2 ही प्याज काटे, मतलब अगर आप इसमें 6 प्याज 10 प्याज जितनी मर्जी प्याज आप काटना चाहें, 2 मिनट के अंदर आपका ये जो इतनी बारीक प्याज कटी है वो तैयार हो जाएगी। ये गोभी को मैंने फ्रेश गोभी को धो लिया है। अब धो के अब हम इसे पराठे बनाने के लिए मैं चॉपर में काटने वाली हूँ। चॉपर में लगा देती हूँ प्लेट, मुझे डाल देना है गोभी के पीसेस को।
बारीक गोभी आपकी पिसी है, मतलब अगर आप इसे कसते तो बहुत ही टाइम लग जाता है, इसमें बिल्कुल भी आपका टाइम कंज्यूम नहीं हुआ। और कितनी अच्छे से परांठों के लिए आपकी गोभी इसने पिस गई है, आपके साथ 1 मिनट का टाइम लगा है। अब हम चॉप करेंगे टमाटर, तो अपने टमाटर को बारीक बारीक चॉप करेंगे। मैंने इन्हें धो लिया और बस मैं इन्हें 4 पीसेस में प्याज की तरह कट कर लेती हूँ। टमाटर के मैंने स्लाइसिस किए हैं, चलिए अब इन्हें डाल देते हैं चॉपर में। सारे स्लाइसेस डालती हूँ चॉपर में। इसकी लिज पहले हमें लगानी है, फिर हमें चॉपर रखना है। टमाटर को भी बिल्कुल प्याज की तरह आप जितना भी चाहें टमाटर अच्छे से, इसमें जो मैंने टमाटर कट किए थे 2 मिनट के अंदर इसमें पिस गए हैं। अब मैं आपको खीरा चॉप करके दिखाऊंगी। खीरा आपको किस लिए चॉप करना होता है, कई बार आपको अगर खीरे का रायता बनाना है, बहुत ही अच्छा लगता है गर्मियों में खीरे का रायता दही में अगर आप डाल लेंगे, इसमें 2 मिनट में बन जाएगा, आपको इसे घिसने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे अभी आपको चॉपर में चॉप करके दिखाने वाली हूँ। ये खीरे को भी बस मैंने 4 स्लाइसेस में काट लिया है। मैं इनको डाल रही हूँ चॉपर में, क्योंकि मुझे बनाना है दही का रायता खीरे का, तो अब मैं इसको हीट लगा रही हूँ और अब मैं करूँगी इसे चॉप। बारीक चाहिए, देखिए कितना बारीक पिसा है खीरा, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल दही के लिए परफेक्ट खीरा मेरा पिस गया है। मुझे इसे कुछ नहीं करना पड़ा, घिसना नहीं पड़ा, 1 मिनट के अंदर खीरा हो गया है रेडी। तो इस तरह से आप जितनी भी चाहें सब्जियां जैसे भी चाहें चॉपर में कर सकते हैं चॉप। ये तो देखा आपने कैसे ये चॉपर सभी वेजिटेबल्स को चॉप करता है 1 से 2 मिनट के अंदर। आपको सिर्फ इन्हें इनका छिलका उतारना है, तैयार कर लेना है धो के और फिर चॉप कर लेना है चॉपर में। मैं खुद एक वर्किंग लेडी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं 1 घंटा सब्जी काटने में ही वेस्ट करूँ, तो मैं हमेशा प्याज की बात करूँ, टमाटर की, गोभी की, जो भी चीज़ें मुझे ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए होती है मैं चॉपर से ही उन्हें कट करती हूँ। मेरा काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। बिजनेस वेजिटेबल है जैसे मूली और गाजर भी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, पर मूली के पराठे बनाने हो तो वो भी आप इसमें अच्छे से चॉप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया गोभी चॉप करके, ऐसे ही मूली चॉप हो जाती है, गाजर भी चॉप हो जाती है, साथ ही आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, इसमें चटनी भी बन जाती है। यूज़फुल चॉपर है ये, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी आपका भी टाइम यूज़फुल है, ऑब्वियसली सभी का टाइम यूज़फुल है, सभी के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, तो अपने टाइम को बचाने के लिए चॉपर लेकर आना बिल्कुल मत भूलेगा। ये होता है पावरफुल मोटर के साथ, ये इसकी मोटर सारी इसी के अंदर होती है। मोटर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ही इसकी मोटर होती है। इसे आपको पानी से वॉश नहीं करना होता, सिर्फ कपड़े से साफ़ करना होता है। इस पूरे पार्ट को आप अच्छे से पानी से वॉश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये इसका विस्किंग का पार्ट है, इसे आप विस्क कर सकते हैं, मतलब कोई भी शेक बनाना है आपको, मक्खन निकालना है आपको, वो काम भी आपके हो जाता है। तो ज़रूर ले आइए अपने घर में चॉपर, अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है, अपने सारे काम को, अपनी एटलीस्ट सब्जियाँ काटने के काम को चुटकी में करने के लिए। दियो में तो क्योंकि सबको मिक्स वेजिटेबल या मिक्स वेजिटेबल के पराठे बहुत ही पसंद होते हैं, तो बहुत ही ईजिली हो जाता है काम। प्याज काटना एक सबसे बड़ा काम है जो इम्पॉर्टेंटली मेरे लिए चॉपर मेरा करता है। मैं कभी भी प्याज को चाकू से मतलब बारीक बारीक नहीं काटती, मतलब इसे पील करती हूँ, छिलका उतारती हूँ, वॉश करती हूँ और चॉपर में चॉप कर देती हूँ, जैसा भी मैं चाहूँ, बारीक मोटा भी मैं चाहूँ, बारीक या मोटा, ऐसा प्याज मेरे इसमें कट जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो प्लीज़ शेयर कर लीजिए। चॉपर बहुत महंगा नहीं है, 1000 से 1500 की रेंज में आपको मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो आपको ज़रूर लेकर आना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए एज अ सब्सक्राइबर, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।